अभी हमारा चल रहा है कि कुछ बच्चों को जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो उन लोगों को हम वहां पर प्लेसमेंट दे दें। तो ये ऐसा मतलब ये ऐसी ऐसा फील्ड है जहां पर वैकेंसी हमें ढूंढते ढूंढते आएगी, हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं होती है, राइट? जैसे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस के जो एडवर्टीजमेंट के एड जब लगते हैं तब वहीं से हमें कॉल आ जाते हैं कि सर हमें तो ये कैंडिडेट चाहिए, हमें वो कैंडिडेट चाहिए, हमें पार्ट टाइम चाहिए, हमें फुल टाइम चाहिए, हमारे हमें जी इस सर, तरीके की स्किल्ड वाला बंदा चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब आपको जॉब खुद सर्च करेगी, आपको जॉब सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये जी सारे सर, लोगों के दिमाग से ये चीज आउट होनी चाहिए कि यार जॉब का क्या होगा। जॉब 100% मिलती है लेकिन क्वालिफाइड लोगों को मिलती है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है जब आप इंटरव्यू के काउंटर पे जाएंगे तो उधर अगर आपको कुछ आता होगा तो ये आपको वो रखने वाले, प्लेस करने वाले, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर लेंगे आपको। बार बार जाइए इंटरव्यू दीजिए, रिजेक्ट होइए, यहाँ जब पे होंगे तब आपको फील होगा कि यार मेरे को काश अच्छा सीख कर जाना चाहिए था, काश मेरे को ये क्वेश्चन आते हैं जिसकी वजह से मैं रिजेक्ट हो गया। तो इस वजह से अभी आपको मेहनत करनी है, दोबारा यूं नहीं हो, क्योंकि उसके बाद भी मेहनत करोगे लेकिन टाइम आप अपना एक्स्ट्रा वेस्ट कर लोगे। तो बेटर इट इज कि अभी स्टार्टिंग में ही हम लोग पूरी जोश और जोर लगाकर पढ़ाई करें ताकि हमारा रिजेक्शन नहीं हो। और एक और बात है कि रिजेक्शन होता है तो वो हमारे अच्छे डेवलपमेंट के लिए होता है, हमें पता पड़ता है हमारे अंदर कमी क्या है। मैं तो कहता हूँ जितने ज्यादा रिजेक्शन होंगे उतना ही पता पड़ेगा आप लोगों को कि एग्जैक्टली आप वेर यू आर एक्चुअली में। तो कभी भी ये ध्यान रखना, बस ट्राई करते रहो, पढ़ाई अच्छे से करते रहो, और प्रॉब्लम आपको जॉब में आने वाली नहीं है। जॉब में हम पूरा सपोर्ट करेंगे, जैसे अभी आपको स्टडी सपोर्ट मिल रहा है वैसे ही प्लेसमेंट सपोर्ट मिलने वाला है आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। सो डोंट वरी अबाउट द जॉब या डोंट वरी अबाउट द प्लेसमेंट, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो पंजाब हो, हम दोनों लगे हुए हैं उसमें पूरी लाइजनिंग बनाने में। और इधर से तो जैसे हम लोगों का तो पूरा जैसे काफी लंबे टाइम से एक्सपीरियंस भी रहा है कि हम लोग काफी इंडस्ट्रीज वगैरह में पकड़ बना चुके हैं। सो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आने वाली, आप तो बस अच्छे से पढ़ाई करो, अभी जो आपकी बाकी की जर्नी है उसको भी अच्छे से करो, और जो नए नए बैचेज चल रहे हैं उनको भी आप ट्राई करो कि उनको ज्वाइन करो। टाइम नहीं मिलता लाइव क्लासेस लगाने का तो रिकॉर्डिंग लगा के देखिए, तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा ऐसा। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोलते हैं ना, प्रैक्टिस जरूरी है, देखने से नहीं सीखा जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि देखने से तो टीचर कर रहा है सामने और हम सिर्फ देख रहे हैं, तो टीचर तो गलती कम करेगा, लेकिन हम जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि वेयर वी आर एक्चुअली में। तो इस वजह से आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है ना। चलिए अपन बात करते हैं आकांक्षा से, आकांक्षा का क्या एक्सपीरियंस रहा है हमारे साथ? आकांक्षा हेलो, गुड बताइए। हेलो आफ्टरनून सर, आकांक्षा, कैसे हो सर? एकदम मस्त। मेरा एक्सपीरियंस सर, पहले तो बहुत डर लगता था कि ज्वाइन करना है, पता नहीं कैसे सर होंगे, क्या बोलेंगे, मतलब अच्छी तरह से समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे। फिर हिमांशु भी ऐसे बात हुई, भैया ने पूरा क्लियर किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तू ज्वाइन कर ले, अच्छा रहेगा तेरे लिए, तेरे फ्यूचर के लिए। तो पहले पहले डर था, अब नहीं है, अब तो कंफ्यूजन्स भी डायरेक्टली क्लियर करती हूँ, सब कुछ सही हो रहा तो डायरेक्टली ऑर्डर करती है आकांक्षा की, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो है। कंफ्यूजन मतलब कुल मिलाकर आकांक्षा तुम वेरी क्लियर। फर्स्ट क्लास से हो मेरे साथ। तो जैसे हाँ जी सर, अभी जैसे ये रिकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखने वाले हैं जो न्यूली जो मानस बना रहे हैं ज्वाइन करने का, तो तुम क्या कहना चाहती हो ऐसे जो बच्चे हैं जो अब भविष्य में ई अकाउंटेंट या जैसे सीपीए जैसे कोर्सेज को प्रिफरेंस देने वाले हैं, तो क्या उनको सजेस्ट करना चाहती हो कि क्या वो ऑनलाइन हम लोगों के सजेशन साथ सर जुड़े तो यही है उनको। कि यही सजेशन है कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको कंसल्ट करना पड़े, जो आप दोनों हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो हमारे से ज्यादा, आपको पता है कि हमारे लिए क्या क्या सही है। नॉर्मली नहीं पता होता, कईयों को गाइडेंस ही नहीं होती कि हाँ ऑफलाइन में क्या सीन है, जो ऑनलाइन में क्या सीन होगा। एक डिस्टेंस मैटर करता है, आपको लगता है कि डिस्टेंस की वजह से शायद पढ़ाई ना हो पाए, वो कंफ्यूजन्स अपने दिमाग से निकालनी पड़ेंगी पहले। जी, वो कंफ्यूजन्स दिमाग से तुम्हें अगर कभी जब तक ऐसा नहीं लगता है, निकल, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, नहीं तुम्हारी सर कोई बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं, हो या सॉल्यूशन नहीं मिला हो तुम्हें? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं लगता ये तो। ठीक है, तो मतलब तुम सेटिस्फाइड हो पूरी तरह से। हाँ जी सर, पूरी अच्छा तरह से। तुम्हारा कोई सजेशन ऐसा, कोई नए ये जो न्यू स्टूडेंट्स भी हैं कुछ जो जो जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, उनको कोई सजेशन कि उनको कैसे प्रिपेयर होना है? सर रेगुलर ही करना पड़ेगा, अगर आप एक दिन मिक्स करते हो तो फिर आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बाद में, जब आप दूसरी क्लास हो जाते हो। रेगुलर करो बस, जो भी है। रिकॉर्डिंग लगा के फिर नेक्स्ट।
क्लास में रहूं मैं। हाँ और जो रिकॉर्डिंग एक चीज और है कि जैसे जैसे तुमने एक कोर्स ज्वाइन करने से पहले तो तुम्हें कुछ नहीं आता था राइट, टैली वगैरह कभी देखा भी नहीं होगा, नील हाँ नील था। अभी तुम किस स्टेज पे हो आज 3 महीने बाद अगर अपन बात करें तो, राइट नाउ अगर तुम्हें मैं कोई 2 नए बच्चे दे दूं जिनको कुछ नहीं आता, उनको बोलूं कि तुम्हें जीएसटी पढ़ाना, टैली भी पढ़ाना, पूरा सिखाना है, तुम कंफर्टेबल हो? हाँ सर पढ़ा सकती हूँ वैसे। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि अभी तुम्हारा नॉलेज बढ़िया शार्प नॉलेज मिल गया तुम्हें? इतना शार्प नहीं है, हाँ 80% तक कह सकते हैं इतना शार्प नहीं है। हाँ इतना शार्प होता तो अभी मेरी जगह तुम पढ़ाती ना।